नमस्कार, मैं एक आधुनिक कविता पढ़ने जा रहा हूँ। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। घर में बंद हूँ लेकिन मैं कुछ पहले से आज़ाद हूँ। नज़रें कैद हैं चार दीवारी पर नए नज़रिए से आबाद हूँ। कुछ मिक्स इमोशन वाली लगती लाइफ आजकल पिक्चर रे। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। शुक्रिया लॉकडाउन ये सिखाने के लिए, क्यों बिमला से साबुन प्लेट्स पर कभी कभार छूट जाता होगा। हर कप संभाल कर रखने पर भी हाथ से फिसल कर टूट जाता होगा। कि जूठे बर्तनों से गलत फहमियां बीच बीच में साफ होनी चाहिए। इकट्ठा हों इससे पहले ही कुछ रंजिशें भी माफ होनी चाहिए। शुक्रिया ये समझाने के लिए कि किस साहस से सफाई वाला रोज दूसरों का कूड़ा उठाता होगा। घर बैठे हम आराम से वो इसेंशियल सर्विस में आता होगा। वो नीचे वाली परचून दुकान जिसको एलएस समझ के इग्नोर किया, उसी ने झोली भर दी अनाज से, सारे ऐप्स ने जब मुंह फेर लिया। बाहर की जगमग इतनी थी कि झांकना भूल गए थे भीतर रे। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। शुक्रिया लॉकडाउन यह याद दिलाने के लिए कि जरूरत के लिए जो काफी हर घर में वो 10 पैकेट है, पर जरूरत और ख्वाहिश का फर्क ही शायद सुपरमार्केट है। कि जिन खुशियों के पीछे घर छोड़कर रोज भागते रहे, वो खुशियां तो घर वालों से थीं, जो बस कुछ पल संग मांगते रहे। जो इत्मीनान ढूंढते रहे एक वेकेशन यूके पेरिस रोम में, बच्चों संग जब खेला लूडो, समझे खुशी वही जो होम में। जरूरतें तो सारी कंट्रोल में, बस ख्वाहिशों का भागे मीटर रे। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। शुक्रिया दुनिया को याद दिलाने के लिए कि बड़ी बड़ी मिसाइल रखना किसी मसाइल का हल नहीं। हॉस्पिटल्स की है असली ताकत, वेपन्स में कोई बल नहीं। खिल के कुदरत करे इशारे, सुधरने का है पल यही। आज ना संभले तो शायद फिर अपना भी कोई कल नहीं। देश जो बनते थे फन्ने खां, हारे नन्हे अनदेखे क्रीचर से। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे।